हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबील है। बेटा वर्जन के वीडियोस आप लोग चाहते थे मैं फिर से बनाऊं, तो ये है iOS 15.2 का पब्लिक बेटा 2 जो एप्पल ने रिलीज़ किया कल रात में। यहाँ पे ये मेरे आईफोन 13 प्रो के ऊपर 5.5 GB का आया है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये मेरा आईफोन 13 प्रो जो है स्टेबल वर्जन था, मैंने इसको बेटा वर्जन पे डाला तो कंप्लीट जो है iOS सिस्टम रीइंस्टॉल होता है, तो यहाँ पे ये भी रीइंस्टॉल हो गया। तो फुल वर्जन जो है इसका साइज़ फुल वर्जन जैसे ही रहेगा, जो कि 5.38 GB है। लेकिन अगर आप बेटा 1 से बेटा 2 पे जाते हो तो 750-800 MB के आसपास का अपडेट आपको देखने मिलता है। अपडेट से पहले का यहाँ पे डेटा देख लीजिए दोस्तों। पहले का बिल्ड नंबर था 19B74, ये 15.1 का था, तो उसका परफॉर्मेंस वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा कि 15.1 स्टेबल वर्जन से बेटा वर्जन पे जाएंगे तो कैसा परफॉर्मेंस रहता है। और यहाँ पे जो अवेलेबल फ्री स्पेस था अपडेट से पहले वो 492.57 GB था और मोडेम फर्मवेयर था 1.15.02। अपडेट के बाद यहाँ पे जो बिल्ड नंबर आया है वो 19C5026 आए है। आए यानी कि अभी ये बेटा वर्जन में ही रहेगा और धीरे धीरे ये एक ही तरफ जाएगा, उसके बाद रिलीज कैंडिडेट आएगा, उसके बाद स्टेबल वर्जन आएगा iOS 15.2 का। तो अभी दिल्ली जो है इसकी थोड़ी सी दूर है। अवेलेबल फ्री स्पेस देखिए ऑलमोस्ट उतना ही है, 492.79 GB। और यहाँ पे नया मोडेम फर्मवेयर आया है सारे नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो है 1.29.01। इस अपडेट में क्या कुछ नया दोस्तों, आइए फटाफट से देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को। यहाँ पे जो हाइड माई ईमेल का ऑप्शन है, अगर आप आईक्लाउड प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इस बार सिर्फ आईक्लाउड में आपको स्टोरेज नहीं मिलती है, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको काफी कुछ देखने मिलता है। तो अगर आप ये लेते हैं तो हाइड माई ईमेल का जो ऑप्शन है ये तो पहले से था ही, इसको जो है आप अपने मेल आईडी से मेल करने के टाइम पे भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो वहाँ पे अगर आपके पास ये सर्विस है तो मेल के अंदर आप जो है ईजिली अपना हाइड माई ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हो और आपका ईमेल आईडी जो है सामने वाले नहीं जाएगा, एक फेक ईमेल आईडी जाएगा एप्पल की तरफ से, जिस पे आपके जो ईमेल का रिप्लाई करेंगे वो आपके जो एक्चुअल ईमेल है उस पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर है जो कि आप डायरेक्टली अब मेल एप्लीकेशन से यूज कर सकते हैं। गाइस आप जानते हैं कि मैंने लेगेसी कॉन्टैक्ट पे एक वीडियो बनाया था जो iOS 15 का फीचर है, तो वो फीचर जो है वापस आ चुका है अपने एप्पल आईडी में। आपको चले जाना सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे आपको जाना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर, और यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लेगेसी कॉन्टैक्ट जो है वो वापस आ चुका है। तो अब आप अपना कोई भी लेगेसी कॉन्टैक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता लेगेसी कॉन्टैक्ट क्या है तो यहाँ पे आई बटन पे जो वीडियो है या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके चेकआउट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लेगेसी कॉन्टैक्ट ये क्या फीचर है, आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अगला जो फीचर है दोस्तों वो है चाइल्ड कम्युनिकेशन सेफ्टी का, इसको भी एप्पल इस वाले बेटा वर्जन के साथ टेस्ट कर रहा है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका अगर कोई बच्चा इस्तेमाल करते हैं किसी एप्पल आईडी को अपने आईफोन पे या आईपैड पे, तो वहाँ पे अगर उनको कोई गलत सलत फोटो भेजता है कोई अननोन कॉन्टैक्ट या फिर नोन कॉन्टैक्ट भी, तो वहाँ पे उस फोटो को वो यहाँ पे जो है हाइड कर देगा और वहाँ पे आपको बताया जाएगा या आपके उस चाइल्ड को बताया जाएगा कि क्या आपको ये फोटो जो है वो देखनी है या फिर नहीं देखनी है। ये फोटो सेंसिटिव हो सकती है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आई एम श्योर पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं या फिर नॉट नाउ कर सकते हैं। अगर आपको अपने किसी एडल्ट को यानी कि बच्चे को अपने किसी एडल्ट को अपने पेरेंट्स वगैरह को उस फोटो को शेयर करना है तो उनको शेयर भी कर सकते हैं बिना देखे, और यहाँ पे उनको जो है डोंट व्यू कर सकते हैं या फिर मैसेज अ ग्रोन अप कर सकते हैं, यानी कि बड़े भाई बहन मदर फादर किसी को भी जो है वो यहाँ से शेयर कर सकते हैं बिना उस फोटो को देखे। तो यहाँ पे आप अपने चाइल्ड को अगर देते हो एक आईफोन या फिर देते हो आईपैड, तो यहाँ पे उनकी सेफ्टी को एनहांस करने के लिए ये वाला फीचर लेके आएगी। उनके गैलरी को स्कैन नहीं करेगा बट आई मैसेज में उनका थोड़ा सा ध्यान रखेगा। अभी दोस्तों इसमें दो नई और चीज़ें ऐड हुई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो करेंटली इंडिया में जो बेटा वर्जन चल रहा है उस पर पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट मेरे फ़ोन पे तो ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, और ये 13 प्रो है, तो आपके फ़ोन पे चल रही है नहीं चल रही आप मुझे बताइए अगर आप बेटा वर्जन पे हो। तो अगर हम चले जाते हैं कैमरा के अंदर, तो कैमरा में आप जानते हैं कि ऑटोमेटिक मैक्रो मोड यहाँ पे हमको देखने मिलता है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का इस्तेमाल करता है एप्पल का कैमरा, आईफोन्स का कैमरा 13 प्रो 13 प्रो मैक्स का कैमरा। तो अगर हम चले जाते हैं सेटिंग्स में जाते हैं कैमरा के अंदर, यहाँ पे हम ये ऑटो मैक्रो मोड जो अगर ऑफ कर देते तो यहाँ पे हमको सेटिंग्स के अंदर ही प्रिजर्व सेटिंग्स के अंदर ऑटो मैक्रो का भी ऑप्शन देखने मिलना चाहिए। अभी मेरे फ़ोन पे नहीं देखने मिल रहा है, आई डोंट नो ये रीजन स्पेसिफिक है या फिर क्या बग है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे आएगी। उसके बाद जब आप इसमें मैक्रो मोड का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैक्रो वाला जो फ्लावर वाला आइकन है वो देखने मिलेगा, जिससे आप मैक्रो मोड को लॉक करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपको देखने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। अगली चीज़ यहाँ पे एप्पल ने जो किया है दोस्तों वो किया है फाइंड माय एप्लीकेशन के अंदर। फाइंड माय एप्लीकेशन के अंदर दो चीज़ें ऐड की है जो कि मैं आपको इस वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है एक तो हेल्प रिटर्न लॉस्ट आइटम्स का ऑप्शन है, ये भी हमारे आईफोन में नज़र नहीं आ रहा है, मे बी ये इंडिया के लिए नहीं है अभी फिलहाल,
ये भी आप मुझे बताना। हेल्प रिटर्न लॉस्ट आइटम जो है आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके अगर कोई आपको आइटम मिला है एप्पल का, उसको आप इसके जरिए से ट्रैक कर सकते हो और उसको रिटर्न कर सकते हो अगर किसी ने अपना नंबर वगैरह उसमें ऐड करके रखा है तो। और दूसरा चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि है आइटम्स दैट कैन ट्रैक मी। इसकी मदद से कोई भी एयरटैग अगर आपकी कार वगैरह में प्लेस कर देता है तो यहाँ पे जो है अननोन आइटम्स के अंदर वो चीज़ आपको दिखा देगी, आप इसको स्कैन कर सकते हैं और यहाँ पे अगर कोई आइटम होगा तो वो आपको दिखा देगा कि हाँ एयरटैग आपके आसपास रखा हुआ है, आप उसको निकाल के फेंक सकते हैं या फिर इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन देखने मिलेगा कि नो अननोन आइटम्स फाउंड। तो ये चीज़ मेरे फाइंड माई एप्लीकेशन के अंदर तो नहीं है, आपके है नहीं, मुझे ज़रूर लिख के बताना। जो चीज़ें यहाँ पे फिक्स खास करके नहीं की गई है वो है स्टोरेज बग। स्टोरेज बग वैसे मुझे मेरे आईफोन्स पे देखने नहीं मिल रहा था, लेकिन इस वाले में देख लेते हैं कि स्टोरेज बग है या नहीं। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं आईफोन स्टोरेज के अंदर, देख लेते हैं कि यहाँ पे हमको स्टोरेज बग देखने मिल रहा है या नहीं देखने मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 20 GB इस्तेमाल किया गया है और कोई भी स्टोरेज बग यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप फेस करो कोई स्टोरेज बग तो यहाँ पे आपको जो है इस बीटा वर्जन के अंदर उसका कोई भी फिक्स देखने को नहीं मिलेगा। वैसे मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ ही नहीं रहा है। एक और चीज़ है जो यहाँ पे एप्पल ने फिक्स नहीं किया है, वो कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि एप्पल म्यूजिक, मैं तो सुनता नहीं, लेकिन एप्पल म्यूजिक अगर आप सुनते हो तो यहाँ पे आपको एक्सेसिव बैटरी ड्रेन जो है आपके आईफोन में देखने मिलेगा अगर आप स्ट्रीम कर रहे हो म्यूजिक को ऑनलाइन। तो अब ये चीज़ कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोगों नहीं, तो आप बताइए मुझे कि आपको ये प्रॉब्लम देखने मिल रही है या नहीं देखने मिल रही है। अगर देखने मिल रही है तब भी उसका सोल्यूशन इस वाले अपडेट में नहीं है। अब बात करें दोस्तों कि परफॉर्मेंस करते कि जनरल परफॉर्मेंस तो अच्छा है, मोडेम फर्मवेयर भी आया है नया, तो यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज अगर कुछ होंगे वाईफाई या नेटवर्क से रिलेटेड वो भी सॉल्व हो जाएंगे। वैसे इस टाइप का प्रॉब्लम मुझे अपने iOS 15.1 पे भी नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट परफेक्ट लग रहा है मुझे नेटवर्क के मामले में, ना वाईफाई का प्रॉब्लम है ना ही सेलुलर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी यहाँ पे नया मॉडेम फर्मवेयर पुश करके एप्पल ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश किया, तो ये भी इशू नहीं है और जनरल परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें गीक बेंच के स्कोर की, जिससे हमको परफॉर्मेंस मान पड़ेगा 15.1 वर्सेस 15.2 बेटा 2 का, तो यहाँ पे हिस्ट्री में चले जाता हूँ, CPU बेंचमार्क्स देख लेते हैं पहले का और बाद में का। तो यहाँ पे जो मैंने पहला टेस्ट किया था उसमें आया था 1734 सिंगल कोर, 4755 मल्टी कोर और 15.2 बेटा 2 के अंदर 1733 और 4725। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बस 19-20 का ही फर्क है, ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस है। यहाँ पे परफॉर्मेंस पे कोई भी इंप्रूवमेंट या कोई भी डिग्रेडेशन नहीं किया गया है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कंप्यूटेशन बेंचमार्क जो लोग गेमर्स है उनके लिए, तो यहाँ पे जो 15.1 का स्कोर था 14260 था और यहाँ पे 15.2 में आता है 14456। तो यहाँ पे स्लाइटली इंप्रूवमेंट ही है, कोई भी जो है खराबी यहाँ पे एप्पल ने नहीं किया है इसके अंदर। रही बात दोस्तों बैटरी लाइफ की, तो ये 15.1 पे चल रहा था, बैटरी लाइफ वॉज अमेजिंग और इस वाले में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैटरी लाइफ अच्छी होगी, लेकिन अभी बोलना है इट इज टू सून। तो जो भी नया अपडेट आएगा स्टेबल वर्जन का उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो है नए नए क्या फीचर्स और अपडेट्स आने वाले हैं आपको बेटा वर्जन के जरिए से हमको जो पता चलते हैं, स्टेबल वर्जन में जो आने वाला है वो मैं इस टाइप के वीडियो के जरिए से बताता हूँ। अब आप में से बहुत लोगों का सवाल होगा कि बेटा वर्जन क्या है, हमारे फोन पे क्यों नहीं आया, क्योंकि कुछ लोग जो है इतना सीरियसली फॉलो नहीं करते, चैनल को कभी कभी देख लेते, तो उनको बताता हूँ कि एप्पल का जो है डेवलपर्स के लिए ये होता है बेटा वर्जन, पब्लिक बेटा टेस्टर्स के लिए भी। तो अगर आप पब्लिक बेटा टेस्टर हो, डेवलपर हो, अगर नहीं भी हो तब भी आप ये चीज़ कर सकते हो, बस ऐसी मजा उठाने के लिए कि सबसे पहले आपको अपडेट मिले तो beta.apple.com ये वेबसाइट है एप्पल की, इस पे जाएंगे तो आप स्क्रीन पे आ जाएंगे, वहां से साइन इन करके जो है एक बेटा प्रोफाइल होती है वो डाउनलोड करके आप जो है सेटिंग में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे, तो आपको ये वाला अपडेट देखने मिलेगा। ये कई वाले वीडियोस में, पुराने वाले वीडियोस में बता चुका हूँ, तो आप उन वीडियोस को फॉलो करके इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। तो ये था दोस्तों iOS 15.2 पब्लिक बेटा 2 या फिर डेवलपर बेटा 2 आप लोगों के लिए। आपको कैसा लगा ये वाला अपडेट, इसमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और जो मैंने बताया कि दो नए फीचर्स ऐड हुए जो कि मेरे फोन में नजर नहीं आ रहे कि आपके फोन में नजर आ रहे, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद है उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।